दो फकीर थे, उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी, पर दोनों की शक्ल सूरत और खान पान में बड़ा अंतर था। एक मोटा मुस्टंडा था और दिन में कई कई बार खाने पर हाथ साफ करता था, पर दूसरा कई कई दिन उपवास करता था, इसलिए वो दुबला पतला हो गया था। एक बार राजा के लोगों को इन फकीरों पर शक हुआ, ये तो हमारे किसी वीरी बादशाह के जासूस हैं। बस फिर क्या था, दोनों को पकड़ लिया गया और जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। कई दिनों बाद जेल के दरवाजे खुले, जेल के अधिकारियों ने देखा दोनों कैदी धरती पर लुढ़के पड़े थे। उन्होंने पास जाकर देखा कि मोटा तगड़ा कैदी तो दम तोड़ चुका था, पर दूसरा दुबला पतला कैदी आंखें मूंदे पड़ा था और कदमों की आहट पाकर उठ बैठा था। लोगों की हैरानी का ठिकाना न था। सबको हैरान देखकर एक समझदार आदमी ने कहा, ठीक तो है, मोटा तगड़ा फकीर देखने में ही तगड़ा था, असल में उसमें सहने की ताकत दूसरे से कम थी। वो दिन में कई बार खाता था, पर जब उसको कई दिन तक खाने को कुछ न मिला तो वो कैसे जिंदा रहता। हाँ, ये जो बचा है इसने कई बार फाके किए होंगे, इसने भूख को रोक सकने की आदत डाल रखी थी जो इस कठिनाई में काम आई। अपनी भूख और लालसाओं को वश में करने से सचमुच बहुत ताकत बढ़ जाती है।